कंगना रनौत आए दिन अपनी किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में रहती है। अब हाल ही में कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। दरअसल कंगना ने अपनी एक पोस्ट में भारत की बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि तीसरा बच्चे होने पर पेरेंट्स को जेल भेजना चाहिए या फिर जुर्माना लगाना चाहिए। कंगना रनौत के पोस्ट में लिखा है, हमें जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। वोट पॉलिटिक्स बहुत हुई, ये सच है कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और बाद में इस मुद्दे को उठाने की वजह से उन्हें मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने लोगों को स्टरलाइज्ड कर दिया था। पर इस वक्त क्राइसिस को देखते हुए तीसरे बच्चे पर कम से कम जुर्माना या जेल की सजा होनी चाहिए। इस पर लोग कंगना को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनके खुद दो भाई बहन हैं। एक यूजर्स ने लिखा, भूलो मत तुम खुद भी तीन भाई बहन हो। वहीं कॉमेडियन सलोनी गौर ने कंगना के भाई बहन और एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस पर कंगना ने जवाब देते हुए लिखा, हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारी कॉमेडी भी तुम पर मजाक है। मेरे परदादा के 8 भाई बहन थे, उन दिनों कई बच्चे मर जाते थे, जंगल में जानवर ज्यादा थे, इंसान मुश्किल से ही मिलते थे। हमें वक्त के साथ बदल जाना चाहिए। वक्त की मांग है कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा और हमारे देश में चीन की तरह सख्त नियम होने चाहिए। इसके अलावा कंगना ने एक अन्य पोस्ट शेयर कर लिखा, देश की अधिक जनसंख्या के कारण लोग मर रहे हैं। कागज पर 130 करोड़ भारतीयों के अलावा भारत में 25 करोड़ से अधिक अवैध प्रवासी हैं जो दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं, जिसके कारण हम जनसंख्या के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पे हैं। हमें एक शानदार नेतृत्व मिला है जो दुनिया में टीकाकरण अभियान में अग्रणी है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमें खुद भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। कंगना ने इनके अलावा इस मुद्दे पर लगातार कई पोस्ट शेयर किए हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना के पास कई दिलचस्प फिल्मों की एक लिस्ट है। वह अपनी बायोपिक थलाइवी की रिलीज का इंतजार कर रही हैं क्योंकि पूरे देश में कोविड के मामलों में लगातार तेजी के चलते इस फिल्म के रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। थलाइवी के अलावा कंगना धाकड़ और तेजस में भी नजर आएंगी। क्या कहना है आपको कंगना के बारे में, कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।